अरे छोटी चुन्नी चढ़ती है कि नहीं अंदर? देखो अभी भैया फिर बता रहे हैं छोटी चुन्नी जो है वो नहीं चढ़ती। मैं छोटी चुन्नी अंदर चढ़ा के आया हूँ। छोटी चुन्नी नहीं चढ़ती बाबूजी। मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ जय माता दी, जय माता दी, जय माता। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन पता नहीं ये वीडियो कब एडिट होगा। कोशिश होगी कि मे बी मैं दिवाली के दिन यानी कि आज 14 नवंबर, नहीं तो 15 नवंबर को डाल दूंगा। जब भी डालूं आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दिवाली के दिन मैं आया हूं ये मनसा देवी मंदिर, जो कि चंडीगढ़ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है मनसा देवी मंदिर। ये पंचकूला के पास है। और आपने रास्ते का कुछ शॉट देखा, मैंने पहले भी बताया। और यहाँ पे जो है अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। एक पुलिस वाले अंकल हैं यहाँ पे। अंकल जी कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया। यहाँ पे सर टाइमिंग कितने कितने तक का रहता है ये? सर मंदिर खुला रहता है जी सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक। सुबह 5 से 9 बजे तक। और ये प्रसाद वगैरह अंदर लेके जा सकते हैं ना? नहीं सर, प्रसाद अलाउड नहीं है। अच्छा, खाली चुन्नी जी। और चुन्नी में भी फिक्स है क्या कि बड़ी चुन्नी छोटी चुन्नी या कोई ना, सी भी? कोई सी भी होवे। यानी बाहर जो था वो बेवकूफ बना रहा था कि बड़ी चुन्नी लो छोटी चुन्नी नहीं चलती। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है ना सब। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू अंकल जी। बैग लेके जाऊं? नहीं बैग नहीं, कोई बात कोई बात। तो देखो बाहर जो जी प्रसाद ना होवे बैग में, ओके चेक करते हैं बस। मतलब कि जो बाहर दुकान वाले थे वो अपने को ज्ञान दे रहे थे कि अंदर चुन्नी लेके नहीं जा सकते हो, और अगर चुन्नी लेके जाना है तो बड़ी वाली चुन्नी लेके जाओ, क्योंकि उनमें उनको मोटी कमाई होती है। मतलब आस्था के नाम पे ना व्यापार हो रहा है। मतलब जहाँ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है वहाँ पे भी लोग व्यापार करने की कोशिश करते हैं। खैर इस पे ज़्यादा बात कभी और कर लेंगे, फ़िलहाल तो यही है कि बहुत ज़्यादा भीड़ आज की डेट में नहीं है यहाँ पर। यह हो सकता है कि शाम में भीड़ यहाँ पर देखने को मिले, मैं तो शाम तक रुकने वाला नहीं। बस आज दिवाली था तो सोचे कहीं ना कहीं चला जाए। जब घर पे होता हूँ तो आसपास कहीं ना कहीं जाता हूँ, या घर में ही पूजा बहुत ज़्यादा होता है तो उसी में टाइम कट जाता है। तो ये रहा माता रानी का दरबार। और अंदर यार कार पार्किंग वगैरह तो अंदर भी है, वैसे हमारी बाइक तो बाहर पार्क है। आ गए अपन अंदर, आपको अंदर के कुछ शॉट दिखाते हैं। अच्छी चीज़ है, प्रसाद बाहर रखवा देते हैं ताकि अंदर कचरा कम हो। नहीं तो लोग अगर प्रसाद फूल माला ये सब लेके जाएंगे ना तो अंदर जो रियल चीज़ है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये सारा चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो फटाफट चलते हैं अंदर, देखते हैं कहाँ तक ये लोग जो है कैमरा लेके जाना अलाउ करते हैं ताकि मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर सकूं। नहीं तब तो फिर बाहर निकलने के बाद करेंगे। और मैं अपने अक्सर वीडियो में बताता रहता हूँ कि जो आप अपनी आँखों से देख लेते हो ना वो कभी भी कैमरे में कैद नहीं हो सकता है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा फुटेज ख़राब आ रहा होगा क्योंकि बैक से सनलाइट था। आई होप सो कि अब फुटेज सही होगा। तो ये है मेन गेट, मतलब जहाँ से आप अंदर एंटर होते हो। तो ये रहा वो गेट जहाँ से एंट्री है। ये मैं इधर से ही आगे से घूमते हुए आया था तो इस गेट से होकर के अपन अंदर जाएंगे। और यहाँ पर भी हरियाणा पुलिस के लोग तैनात किए गए हैं ताकि आपको बता सकें कि मास्क पहनो। मंदिर में भी मास्क बहुत ज़रूरी है तो मास्क पहन लेते हैं पहले। नॉर्मल डेज में जब आप आते हो तो ये जो आप देख रहे हो, आवाज़ के लिए मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ये जो चीज़ें देख रहे हो इससे होते हुए ये लाइनों से होके जाना होता है, जो कि सीढ़ी साईं बाबा मंदिर में मैंने फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ देखा था कि इस तरीके से
इस लाइन से होते हुए आपको अंदर जाना होता है। फिलहाल भीड़ कम है, भीड़ कम होने की वजह से जो है वो इधर से जाने दिया जा रहा है। और आते ही एक ये कोई गेट है, तो बड़ा ज़रूरी है कि अब अपन थोड़ा सा माता रानी का दर्शन ले लें। माता का मंदिर, और आज दिवाली के दिन बहुत ज़्यादा रश यहाँ पे नहीं है। वैसे तो आम दिनों में बहुत ज़्यादा रश रहता होगा, कोरोना के कारण थोड़ा डिस्टेंस में आ रहे हैं लोग। अच्छा, कोरोना होने की वजह से आज मंदिरों में बहुत ज़्यादा रश देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे तो मैं एक बार पहले भी यहाँ आया हूँ, उस समय काफ़ी रश हुआ करता था, और वाकई कोरोना का असर यार बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, हर जगह देखने को मिल रहा है। और आप ये देख सकते हो कि बहुत कम श्रद्धालु आज भी यहाँ पे हैं, और मुझे लगता है कि अब जो यहाँ पे सिक्योरिटी वाले हैं उनको थोड़ा आसानी होता होगा लोगों को आगे पीछे करने में। ये जो मंदिर है ये दुर्गा जी का मंदिर है, और मुख्य मंदिर उधर था। बाद बाकी सभी तो मेरे नज़र में मुख्य होते हैं, लेकिन ये दुर्गा जी का बहुत बड़ा प्रांगण बनाया गया है। और आज कोरोना को देखते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्राउड क्या है, और वैसे भी दिवाली आज लोग घर में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो इस व्लॉग में इतना ही, अब घर चलते चलते अगर कुछ शॉट ले पाता हूँ तो उसे देखेंगे, और पहुँचते हैं घर और करते हैं इस वीडियो को एंड। हम आ गए हैं उस दुकान वाले के पास जहाँ से हमने वो चुन्नी लिया था, प्रसाद लिया था और अपना जूता रखा था। और भाई साहब ने कहा था, कहाँ है भैया दुकान वाले, अरे छोटी चुन्नी चढ़ती है कि नहीं अंदर? देखो अभी भैया फिर बता रहे हैं छोटी चुन्नी जो है वो नहीं चढ़ती। मैं छोटी चुन्नी अंदर चढ़ा के आया हूँ, छोटी चुन्नी नहीं चढ़ती बाबूजी, बड़ी चढ़ती है। अभी यार मैं छोटी चुन्नी लेके गया, लोगों ने बोला नहीं लेके भी जाने नहीं देंगे छोटी चुन्नी, नहीं जाने देते कुछ भी। अभी मैं अंदर तक लेके गया था। आप लेके गए होगे, हमें जो बोला हुआ है जो अखबार में आ रखा है हम तो वही करेंगे। चलो भैया ये लोग अखबार की मानते हैं, अपन भी अखबार की मान लेते हैं। लेकिन हाँ, जब भी कभी आप ऐसे जगह पे आते हो ना, तो कुछ लोगों से सावधान रहने का, कुछ लोगों से बच के रहने का, बहुत काटे जाते हैं। सही बात। हाँ ये भी कह रहा है कि इसकी भी कभी काटी गई होगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और इस वीडियो पर थोड़ा अपना प्यार वगैरह बरसा दो, लाइक्स कमेंट शेयर जो भी दिल करे कर दो। मिलते हैं अगले व्लॉग में।